नमस्कार फरीदाबाद, आप देख सकते हैं रोड पर क्या बताओ खुद। नगर निगम वाले भाई साहब, नगर निगम वाले गली वाले हैं जी। अरे गली वाले भाई, मकान आपका ही है? मकान हमारा, मकान बैठ गया, ये बैठ गया, इसमें बीम लगवा के हमने रुकवाया है। अच्छा, पूरा मकान बैठ गया, पानी से बीम लगवाए हैं, ये दीवार बैठ गई, चौथी बनवा पानी भरा पड़ा रहता है गली में, पूरी में पूरी गली को हम साफ भर रहे, 3 साल हो गए ऐसे भर रहा है। 3 साल हो गए। गाड़ी आती है अपने टाइम पास करते, रोड पानी खाते भाग जाते, टाइम पास करते पूरा। अच्छा जी, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ? सुनवाई नहीं हो, लोग खुद ही, हम तो खुद लग रहे हैं, मलबे गिरवाते हैं, कभी हटवाते हैं, कभी मलबा गिरवाते हैं, कभी मलबा गिरवाते हैं, कभी हटवाते हैं। देखिए फरीदाबाद, बुढ़िया लाए, एक साल लाए बीमार होगी, लैट्रिन के पानी मिलते। अच्छा, अभी लाए, एक साल निकाल हॉस्पिटल से, गंदा पानी, शिवर का पानी घरों में जा रहा है। देख सकते हैं फरीदाबाद SGM नगर हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 48 पर है, ये पूरा रास्ता सीवर के पानी से भरा रहता है। हमारी माता जी बीमार होंगे सीवर पानी से। अच्छा, और क्या, और अब लोगों को खुद ही सड़कों पर आकर वाइपर लेकर ये पानी साफ करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं, बार बार निगम की मशीन आती है, लेकिन 3 दिन काम करके साफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। रोटी खा में टाइम पास करें, अपना टाइम देखते, 4 बजे में छुट्टी होगी, छुट्टी टाइम देखते भाग जाते हैं। अच्छा जी, धर्मेंद्र जी कैसे हालात है? कई बार गाड़ी आली कुछ ठीक नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जी कि ये वाली लाइन है नीचे और दोनों तरफ की लाइनें हैं ऊंची, इस पर नई लाइन डले ठीक है तभी इसमें होगा, और जो पुरानी लाइन है उसमें दबा के शील्ड भरी पड़ी है कि जेड भी नहीं लगता है। हम लोगों ने खुद अपने हाथ से काम करवाया है, तो उसके बाद भी जेड जाने में भी जितनी दिक्कत करता है निकलने में भी करता है, शील्ड दबा के भरी पड़ी है। 2-3 साल से समस्या से जूझ रहे हो, कोई समाधान, कोई विधायक, कोई पार्षद, कोई इस पर इनिशिएटिव नहीं लेता कि भाई इसको ढंग से कोई भी काम नहीं करता है जी? कोई भी काम नहीं करता, काम चलाओ कर जाएंगे, जिस दिन आएंगे उस दिन पानी खींच के ले जाएंगे, दूसरे दिन वही हाल हो जाता है, दूसरे दिन वही। और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर में आप देख सकते हैं कि गंदगी का आलम किस तरह से, मेन रोड है हाउसिंग बोर्ड का, और अब लोगों को घर से बाहर आकर वाइपर हाथ में लेकर पानी साफ करना पड़ रहा है। देखें, क्योंकि ये पानी जो है घरों में घुस जाता है, और माताजी तो बता रहे कि बीमार होकर आई हैं। एक पिछले साल हमारी माताजी साल भर बीमार रही हैं, इसी के चक्कर में घुटने घुटने पानी होता था, गाड़ी निकलती थी घरों में पानी जाता था, घरों में पानी जाता था, अब बदबू के मारे जी बीमार हो जाते हैं, बदबू के चलते बीमार हो जाते हैं, शिवर का गंदा पानी है। और देखिए लोगों को, आप समझ सकते हैं कि जो काम नगर निगम कर्मचारियों को करना चाहिए वे लोग यहाँ पर घर से निकल कर रहे हैं। माता जी हैं बीमार रही काफी समय से, बीमार है, एक साल से नौकरी छोड़ बैठे, कौन सिलाए गाँव में, ऐसे नौकरी कैसे छोड़ दी, नौकरी बीमार पड़ रहे, कहाँ डूब जाएंगे, एक दिन डूट गए मालिक भगा दे, ठीक ना घूम उतर पड़े हैं हम, कौन रखेगा मकान धंधे पे, कौन होने का पार्षद विधायक, कौन होने को समस्या सुनता नहीं आपने, सब अपने घर में तीस महल में सो रहे, मजे ले रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं, कांच के महल बनवा लिए। देख सकते हैं फरीदाबाद शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जा चुका है, लेकिन हालात आप देख सकते हैं, मशीन आ रही है रोज, डेली मशीन आ रही है, मतलब मशीन वाले अपना जो बजट बना के ले जाते हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, साइन नहीं करे ना तो साइन करवा के ले जाते हैं। अच्छा, और लोग साइन करवा के ले जाते हैं, मतलब हमारा काम हो गया, हमने काम कर दिया, हो गया पूरा। और फरीदाबाद बता दें, इस रोड पर पहले भी लोगों ने मलबा गिरा हो गया, इसके अंदर रहते रहते यहाँ पे गंदे पानी में, बदबू में आधे से बीमार हो गए लोग, होना बीमार हो गए लोग, बीमार हो रहे हैं घर घर में, बीमार घर घर में बीमार हो रहे हैं लोग। अब देख सकते हैं फरीदाबाद, ये पूरा रोड है लगभग आधा किलोमीटर, 600 मीटर का ये रोड है, इस पर पानी भरा रहता है, और कई बार लोग मलबा डलवाते हैं, पानी मलबा डलवावे तो लुके कि तुम्हारे को दंड देंगे, तुम्हें वहाँ सजा देंगे, वहाँ पर तुमने मलबा मत डलवाना, या बोलते हैं वो लोग मलबा ना डलवा, क्या करा घर में पानी जा रहा है, बैठे रहे हैं, क्या करें, मलबा नहीं डलवाए, घर के बाहर ही नहीं निकले, अब बीमार है, दुखी है, कैसे लेके जाऊं,
फरीदाबाद देख सकते हैं। मलबा डलवाने के लिए मना कर दिया गया, बोले कि मलबा मत डलाना, नहीं तो तुम्हें सजा होगी और दंड पड़ेगा। दंड पड़ेगा, और जो ये पानी भर रहा है सड़क पर उसका दंड कौन भुगतेगा? अरे बीमार हो गए, 3 साल से घर से बाहर नहीं निकल रहे, घर से बाहर नहीं निकल रहे, पानी भर रहता है, पानी भरा रहता है, किडनी फेल होगी। फरीदाबाद देख सकते हैं कितने दयनीय हालात हैं शहर को एक तरफ। अभी हम परसों एक खबर पढ़ रहे थे, माननीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर की एक उद्घाटन किया था सेक्टर 3 में स्कूल का बिल्डिंग का उद्घाटन था, तो उसमें स्टेटमेंट थी कि फरीदाबाद शहर में हो रहा है चहुंमुखी विकास, लेकिन धरातल पर आप पहुँचेंगे और देखेंगे जमीनी स्तर पर तो आपको विकास की वो लहर, वो विकास की वो तस्वीर देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए शहर के लोग तरस रहे हैं। आप देख सकते हैं मतलब इतने बुरे हालात, दैनिक हालात, सीवर का गंदा पानी लोगों को खुद वाइपर लेकर हाथ से खींचना पड़ रहा है। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको, एक बात और बता दें, ये समस्या काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और लोग परेशान हैं, बार बार शिकायत की जाती है नगर निगम अधिकारियों को, गाड़ी भेज दी जाती है, जो गाड़ी का एस्टिमेट जो बिल बनाकर ले जाया जाता है, और लोग जब साइन नहीं करते तो अन्य लोगों से साइन कराकर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लोग यहाँ से चले जाते हैं। नगर निगम अधिकारी हों, कर्मचारी हों या राजनेता हों, इस सरकार का बहुत बढ़िया, ठेकेदारी में दिला दें, परेशान ना कोई पार्षद सुने ना कोई मंत्री सुन रहे, आएंगे दूरते हो देख जाके अपने घर बन जाए। मंत्री जाते हैं और कोई सब आगे दूर के देख कह लूंगा हाँ एक एक खड़े कर लेना जब वोट मांगना है। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के अन्य खबर साथ, बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।